आईपीएल 2021 के सीजन के लिए बीसीसीआई ने तो कंफर्म कर दिया कि मिनी ऑक्शन होगा। कल ही बीसीसीआई की एजीएम मीटिंग समाप्त हो चुकी है और बीसीसीआई ने कई बड़े फैसले इस मीटिंग में लिए हैं और उसमें से एक बड़ा फैसला है आईपीएल 2021 के सीजन के लिए मिनी ऑक्शन करवाना। आईपीएल ऑक्शन के रूल्स के मुताबिक इस साल मेगा ऑक्शन होने वाला था, लेकिन कोविड की स्थिति को देखते हुए बीसीसीआई ने मिनी ऑक्शन करवाना ही बेहतर समझा। और मिनी ऑक्शन होगा तो ट्रेड विंडो भी ओपन होगी, कई सारे प्लेयर्स हमें ट्रेड होते हुए नजर आएंगे और उन खिलाड़ियों में से क्विंटन डिकॉक भी हो सकते हैं और कई सारी टीमें क्विंटन डिकॉक को ट्रेड करने में इंटरेस्टेड दिख रही है। तो मैं आज आपको उन टीमों के नाम बताऊंगा और क्यों वो टीमें क्विंटन डिकॉक को ट्रेड करना चाहती है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी, एंड तक जरूर देखना। और आप भी आईपीएल के बड़े फैन तो इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं पहली टीम की जो क्विंटन डिकॉक को ट्रेड करना चाहती है, वो टीम है चेन्नई सुपर किंग। और चेन्नई सुपर किंग लगातार एमआई से कॉन्टैक्ट कर रही है और कई सारे ऑफर्स भी सीएसके की टीम एमआई को दे रही है, लेकिन एमआई की तरफ से कोई बड़ा अपडेट निकल कर नहीं आया। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि एमआई की ओर से कोई भी बड़ा अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं दूसरी टीम की जो क्विंटन डिकॉक को अपनी टीम में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड दिख रही है, वो टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। एक समय था जब क्विंटन डिकॉक आरसीबी की टीम का हिस्सा थे और डिकॉक जब से आरसीबी की ओर से रिलीज हुए तब से डिकॉक अपना नेक्स्ट लेवल का फॉर्म आईपीएल में दिखा रहे हैं और आरसीबी चाहती है कि क्विंटन डिकॉक फिर से आरसीबी की टीम से खेले। लेकिन मेगा ऑप्शन होता था जब चांसेस थे डिकॉक के आरसीबी में खेलने के, लेकिन मिनी ऑप्शन होने वाला है तो डिकॉक को ज़रूर रिटर्न करेंगे एमआई की टीम। लेकिन अब आरसीबी को भी ट्रेड प्लेयर की लाइन में खड़े रहना पड़ेगा और मुंबई को कई सारे ऑफर देने पड़ेंगे क्विंटन डिकॉक को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। आपको क्या लगता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर क्विंटन डिकॉक को ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं तीसरी टीम की। तीसरी टीम है सरप्राइजिंगली ये नाम है केकेआर की टीम। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स भी क्विंटन डिकॉक को ट्रेड करना चाहती है। अब वो क्यों करना चाहती है ट्रेड वो मैं आपको बताता हूँ। हमने पूरा आईपीएल 2020 के सीजन में देखा कैसे केकेआर की टीम अपने अलग अलग प्लेयर्स को ओपनिंग करा रही थी, लेकिन कोई ओपनर ने बढ़िया परफॉर्म नहीं किया और ये ओपनिंग पेयर केकेआर की बड़ी समस्या बन चुकी थी आईपीएल 2020 के सीजन में। और अगर क्विंटन डिकॉक केकेआर के साथ जुड़ते हैं तो केकेआर की समस्या दूर हो सकती है, लेकिन इन्हें भी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे क्विंटन डिकॉक को ट्रेड करने के लिए। तो ये थी भाई वो तीन टीमें जो मिनी ऑप्शन होने के कारण क्विंटन डिकॉक को ट्रेड कर सकती है। आपको क्या लगता है क्विंटन डिकॉक ट्रेड होंगे या नहीं तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।